जय श्री राम, जय श्री महाकाल। मित्रों, मैं हूं देवीलाल पाटीदार और आप देख रहे हैं मौसम पूर्वानुमान देवीलाल पाटीदार छोटा चिरोला। दिनांक है 19 सितंबर और समय है लगभग 8:30 बज रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमने आपको पिछले 4 सितंबर के वीडियो के माध्यम से बताया था कि इस महीने में काफी अच्छी बारिश होगी और इस महीने में एक नहीं, दो नहीं, तीन सिस्टम सक्रिय होंगे। उसके अनुरूप अब तीसरा सिस्टम जो है बनने को तैयार है, जबकि 16 और 17 सितंबर में काफी अच्छी बारिश देखने को मिली है, बाढ़ जैसी स्थिति हो गई थी। वहीं दूसरी ओर मंदसौर और नीमच में कई किसानों का कहना है कि हमारे यहाँ कुएं नहीं भरे हैं, तालाब नहीं भरे हैं, बहुत कम बारिश हुई है। तो ये सब प्रकृति का खेल है। एक तरफ बहुत नुकसान हुआ है बारिश होने के कारण, वहीं दूसरी तरफ किसान कह रहा है कि हमारे इधर बहुत कम बारिश हुई। तो ये सब प्रकृति का खेल है, इसमें आप और मैं कुछ नहीं कर सकते। और अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो तीसरा सिस्टम है उसके बारिश का पैटर्न क्या रहेगा, किस तरह से वो बारिश देगा। तो आज हो चुकी है 19, कल है 20, 20 सितंबर और 21 सितंबर को मौसम शुष्क रहेगा, एक आध जगह पर हल्की फुल्की बारिश हो सकती है, जबकि 22, 23, 24, 25 और 26 सितंबर को मध्य प्रदेश के पश्चिमी जिलों में फिर बारिश का दौर शुरू होगा और इस बारिश का जो है प्रदर्शन सभी जिलों में अलग अलग रहेगा। सबसे अधिक बारिश वाले जिले वही निचले जिले जैसे कि हरदा, खांडवा, खरगोन, इंदौर, और जैसे जैसे ऊपर आएंगे बारिश जो है कम होती जाएगी, उज्जैन, रतलाम, शाजापुर, राजगढ़ और ऊपर जाए तो मंदसौर, नीमच, इनमें और थोड़ी कम होगी। इस तरीके से बारिश का पैटर्न रहेगा। और आगे की बात करें तो लगभग 29 या 30 सितंबर को एक और बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान बनने की संभावना है, लेकिन हालांकि कुछ स्थितियां ऐसी बन रही है कि चक्रवाती तूफान बनेगा और कुछ स्थितियां ऐसी है कि वो डीप डिप्रेशन तक ही सीमित रहेगा, एक दो कदम पीछे ही रहेगा। तो ये बात की बात है और क्या स्थिति रहेगी, क्या परिस्थिति रहेगी, इसके बारे में हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन एक सिस्टम जरूर बनेगा और उसका ट्रैक भी मध्य भारत ही रहेगा। अब समस्या ये है कि फसलें पक चुकी हैं कई किसानों की, सोयाबीन कटने को तैयार है, तो इस फसल को जो है काट कर घर कैसे लाया जाए। तो मैं कुछ आपको सुझाव दूंगा, हालांकि जो भी करना है आपके विवेक से ही करना है, लेकिन मैं कुछ दिन बताऊंगा, उस दिन में आप अपनी फसल को काट सकते हैं। जैसे कि कल और परसों 20 और 21 ये दो दिन हैं अपनी फसल को काटने के लिए, उसके बाद में बारिश चालू हो जाएगी, फिर बारिश रहेगी 22, 23, 24, 25, 26 ये 3-4-5 दिन तो बारिश होगी सही। उसके बाद में 27, 28 और 29 इन 3 दिनों में किसान अपनी फसल को काट सकता है लगभग 25 से 30% रिस्क पर। उज्जैन, रतलाम, मंदसौर और नीमच इन जिलों के किसान जो है अपनी फसल को काट सकते हैं। हालांकि मंदसौर और नीमच में 27 से 28 के बाद में 0% रिस्क है, फिर बाद में उधर बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन उज्जैन, रतलाम, राजगढ़, शाजापुर इन जिलों के किसान जो है अपनी फसल को इन दिनों में काटने की तैयारी कर सकता है, जबकि इंदौर, धार, खंडवा, खरगोन, हरदा इन जिलों में बारिश जो है हल्की फुल्की होती रहेगी, इन जिलों में 30 तक कोई संभावनाएं नहीं बन रही है। उसके बाद जो है 0% रिस्क में 1, 2, 3, 4 और 5 ये 4-5 दिन रहेंगे जहां पर किसान अपनी फसल काट सकता है। हालांकि इसके बाद भी काम जो है कंटिन्यू रख सकता है, लेकिन जो सिस्टम सक्रिय हो रहा है वो अगर जो मध्य भारत की तरफ रूट करेगा तो उसकी जो है बारिश जो है 5, 6, 7, 8, 9 ये 2-3 दिन रहेंगे जिसमें बारिश होगी। तो अगला सिस्टम बनेगा चक्रवाती तूफान, तो उसकी क्या ट्रैक रहेगा, क्या संभावनाएं बनेगी, क्या स्थिति रहेगी, क्या परिस्थिति रहेगी, हम उसके बारे में आपको अगले मैसेज के माध्यम से बताते रहेंगे। तब तक के लिए बनिए हमारे साथ। जय श्री राम, जय श्री महाकाल।